वीडियो में बच्चा हम लोगों ने जस्ट जनरली न्यूट्रिशन की बात की थी और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, राइट? ठीक है, वहाँ हमने उसकी डिटेल के बारे में कुछ डिस्कस खास नहीं किया था. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन विद देयर डेफिनेशंस. ओके, सो लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके बच्चा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात भी की थी कि ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होंगे जो अपना खाना खुद बनाएंगे, राइट? सो राइट ऑन इट्स डेफिनेशन, इट इज व्हाट? इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स synthesize their food at its own, okay, from inorganic raw material with the help of energy. ओके, तो यहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है कि एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं कुछ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से. किसकी हेल्प से? एनर्जी की हेल्प से. और जैसे कि हमने बात की थी कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो भी फर्दर टू टाइप की है, जैसे कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स. तो बच्चा इसमें भी हम ऐसे ही बात कर लेते हैं उनके बारे में भी, कि जैसे कि हमने बात कर रखी है कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में. तो बच्चा कीमो ऑटोट्रॉफ्स कौन होंगे? ठीक है, तो सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो कि दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच यूज केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ देयर फूड. ठीक है, सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच यूज केमिकल एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. ओके, बेस्ट एग्जाम्पल जैसे कि आप सल्फर बैक्टीरिया लिख सकते हो, सिंपल एग्जाम्पल है. नहीं तो नाइट्रोजन साइकिल में यूज होने वाले बैक्टीरिया जैसे कि नाइट्रोसोमोनास. ठीक है, नहीं तो आप सिंपली सल्फर बैक्टीरिया लिख सकते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिख सकते हैं. ठीक है, आपके मार्क्स नहीं कटोंगे. ओके, ऐसे सेकंड वन आप इसमें डील कर सकते हो, फोटो ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच यूज लाइट एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड. सो द ऑर्गेनिजम्स विच use light energy for synthesis of food. और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हैं कौन है, ग्रीन प्लांट्स, राइट? अगर आप इसको जैसे मैंने यहां सिंपली कर दिया ना, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और फोटो ऑटोट्रॉफ्स, राइट? बच्चा आप इसको कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के वे में भी लिख सकते थे. जैसे मैं बोलूँ कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो डेफिनेशन क्या हो जाती, इट इज़ अ मोड ऑफ अ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड. ठीक है, ऐसे ही फॉर अ फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है कि इट इज़ अ मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब उसका एक टाइप है इन विच ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज और यूज लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर फूड. क्लियर है? ठीक है, मैंने यहाँ जस्ट सिंपली कर दिया कि कीमो ऑटोट्रॉफ कौन होता है और फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको जनरली इन दोनों के बारे में पूछा जाता है. ठीक है, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज
हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बच्चा लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो आउटर सोर्सेस मतलब अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड पर्पस, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके मैं साथ में लिख देती हूँ, इट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism get or you can say obtain their food from outer sources। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, obtain their food from outer sources or depend upon other for their food purposes। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी हमने फर्दर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किए थे, ठीक है, सॉरी डिस्कस नहीं किए थे, मतलब जस्ट नाम लिए थे, जैसे कि मतलब मैं अब अगर इसको टॉपिक की तरह डील करूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूं कि दीज आर व्हाट टाइप्स ऑफ हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, इसके भी फर्दर टाइप, ठीक है। तो बच्चा इसमें फर्दर फर्स्ट टाइप होगा जैसे कि सेप्रोफिटिक, आप सेप्रोफिटिक भी लिख सकते हो और सेप्रोट्रॉफिक भी लिख सकते हो, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्लियर। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि इट इज अ मोड ऑफ हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ, बच्चा देखो सेप्रो वर्ड जो होता है ना वो डेड एंड डिकेइंग वर्ड के लिए मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इट इज मोड ऑफ हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स और यू कैन से देयर एक्सक्रीटा, ठीक है, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं जैसे कि फॉलन लीव्स एंड ट्विग्स एक्सेट्रा। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो इसकी एग्जांपल बच्चा हो सकती है फंजाई, ठीक है, फंजाई सेप्रोफिटिक है और सेप्रोट्रोफिक की सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ओके। सेकंड वन इज बच्चा पैरासिटिक न्यूट्रिशन और यू कैन से पैरासिटिक हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप इसके लिए भी सेम वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हो कि इट इज मोड ऑफ अ हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, बट आगे चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज मोड ऑफ हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच, बच्चा देखो अभी पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली बोलूँ पैरासाइट क्या होता है तो पैरासाइट इज काइंड ऑफ अ डिसीज कॉजिंग, तो मतलब ये ऑर्गेनिज्म पक्का ना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होंगे जिससे वो उसका खाना वगैरह पक्का छीन लेते होंगे, ठीक है, और इस वजह से जिससे उन्होंने खाना छीना है ना उसको कुछ बीमारी वगैरह हो जाती होगी जहाँ वो वीक हो जाता होगा, राइट। सो इट इज अ मोड ऑफ हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच आप कह सकते हो a living organism obtained food from another living organism, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है, ठीक है।
तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चा अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है खाने के लिए, ठीक है, उससे खाना छीनने वाला है, ठीक है, उसको हम यहाँ एक टर्म में बोलेंगे पैरासाइट, और जिससे वो खाना छीनता है, ठीक है, जो कि वो एक्चुअली देना नहीं चाहता था, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट, राइट। तो मैं इसको अलग से लिख रही हूँ, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप लिख सकते हो टर्म्ड एज, यहां सीधा ही लिख लीजिए, इज कॉल्ड पैरासाइट। क्लियर है? और दूसरा कौन सा होगा फिर? द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। क्लियर है? दोनों अलग अलग हो गए। नॉर्मली बोलोगे तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसका खाना वगैरह छीनता है, ठीक है, तो जो छीनता है, जो ले लेता है, वो होगा पैरासाइट, ठीक है, और जिससे उसने छीना होता है, ठीक है, जिसने उस बेचारे को प्रोवाइड किया है, ठीक है, वो कौन होगा, होस्ट। क्लियर है बच्चा? इसकी बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो डेट इज कस्क्यूटा। कस्क्यूटा अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो हमारे इंडिया में इसको बोलते हैं अमर बेल, ठीक है बच्चा। इस बेल का काम क्या होता है, ठीक है, ये क्या करती है, दूसरे ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं ना उनके ऊपर जाके उग जाती है, ठीक है, और खुद खाना नहीं बनाती है। ये क्या करती है, इसके पास ना एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अ स्ट्रक्चर डेट इज हॉस्टोरिया, ठीक है। होस्टोरिया कुछ नहीं है बच्चा, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ है, जो कि जिस प्लांट के ऊपर कस्क्यूटा अमरबेल जो है उगी होती है ना, उसके अंदर अपनी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को धसाती है और उससे उसका खाना और पानी छीन लेती है। अब इससे कस्क्यूटा का तो फायदा हो गया, तो वो कैसे एक्ट कर रही है, लाइक अ पैरासाइट। लेकिन जिस प्लांट से उसने वो सब छीना, वो कैसे एक्ट कर रहा है, होस्ट पे, और इसकी वजह से वो कमजोर भी हो रहा है, ठीक है, और मे बी उसको कोई बीमारी भी हो जाए। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? एंड लास्ट वन इज होलोजॉइक न्यूट्रिशन। अगर बच्चा होलो का अकॉर्डिंग में डील करूं तो होलो वर्ड का मतलब होता है सारा का सारा, ठीक है। तो होलोजॉइक न्यूट्रिशन इज व्हाट, जिसमें आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें इस टाइप की न्यूट्रिशन इन्वॉल्व है जिसमें ना ऑर्गेनिज्म पूरे सॉलिड पीसेस को इनगल्फ कर सकता है, मतलब निगल सकता है। क्लियर है? जहाँ आप कह सकते हो कि वो जो सॉलिड चीज है वो प्लांट्स के रिलेटेड भी हो सकती है और एनिमल्स के रिलेटेड भी हो सकती है। क्लियर है? सो आप इसको ऐसे डील कर सकते हो कि इट इज मोड ऑफ हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेस ऑफ फूड। और इसके बारे में बच्चा हमने लास्ट टाइम फ्लो चार्ट में डिस्कस भी किया था, पीछे वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने अलग अलग टाइप बोले थे, जैसे कि कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, ठीक है, सैंग्यूनिवोर्स, फ्रुगीवोर्स। क्लियर? वो होलोजॉइक न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं। अब बच्चा नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लियर है? ये जस्ट आप कह सकते हो कि मैंने फुली सबकी डेफिनेशन इसलिए लिख दी सो दैट यू कैन मेक अ नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है, विच विल हेल्प यू ड्यूरिंग एग्जाम्स। ओके बेटा, ओके।